मीडिया एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार का मुस्लिम लड़कियों को एक और बड़ा तोहफा। केंद्र की सत्ता में दोबारा आने के साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इसी को साबित करने के लिए सरकार बनने के 11 दिन बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम लड़कियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। हालांकि ईद का तोहफा देते हुए पीएम मोदी 5 साल में 5 करोड़ अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति देने की बड़ी घोषणा पहले ही कर चुके हैं। 1 जून को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता की थी। बैठक में फाउंडेशन के उपाध्यक्ष अशफाक सैफी भी मौजूद थे। इसी दौरान नकवी ने सरकार की इस बड़ी घोषणा से अवगत कराते हुए बताया कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी अल्पसंख्यक लड़कियों की होगी। वही अलग से लड़कियों को दी जाने वाली बेगम हजरत महल बालिका स्कॉलरशिप के तहत भी 10 लाख से ज्यादा छात्रवृत्ति दी जाएगी। दूसरी ओर देश भर में ड्रॉप आउट लड़कियों के देश के प्रतिष्ठित इंटरव्यू से ब्रिज कोर्स कराकर उन्हें शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।